ब्लड सर्कुलेशन में जो हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है और ब्लड हार्ट कैसे काम करता है, ये जब दिखाई दे रहा है ये हार्ट है, मैग्नीफाई करके देखे हाँ ये हार्ट में, ये हार्ट जो है हार्ट में जो है हार्ट में चार चैम्बर होता है, किस किस तरह से काम करता है हार्ट जो है इसकी किसी के बारे में देखेंगे। तो हार्ट में जो ह्यूमन हार्ट जो होता है आपको एक वैस्कुलर, इसको कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, इसको हार्ट जो इसीलिए बोलते हैं, इसमें मेडिकल टर्म में जो है कार्डियो इसीलिए बोलते हैं, इसको हार्ट से रिलेटेड है, इसमें जो है बड़ा पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड और जो है आपको ब्लड वेसल, ये तीन प्रकार का पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हार्ट के बारे में देखेंगे, ये हार्ट दिखाई दे रहा है, ये हार्ट जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन कहने का मतलब ये मस्कुलर टाइप का होता है, ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सिस्टम होता है और ये जो है ये पंपिंग करते रहता है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पंपिंग करता है। तो हार्ट में जो है एक एक चार चैम्बर होता है, ये हार्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग यानी कि आपको मायोकार्डियल इसीलिए बोलते हैं, इसमें हार्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। हार्ट में जो है चार चैम्बर होता है, इस सबसे पहले इसमें देखें तो ब्लड जो है आपको किस तरह से हमारे हार्ट में आता है, हार्ट में जो है हमारा ब्लड ब्लड किस तरह से आता है, ये पूरी बॉडी से जो है ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट से फिर पंपिंग करता है पूरे शरीर में ब्लड पहुंचा जाता है। ये जो है आपको चार चैम्बर दिखाई दे रहा होगा, चार चैम्बर में क्या क्या चैम्बर होता है, तो सबसे पहले जो हम आपको राइट आरटीएम दिखाई दे रहा है, ये मैग्नीफाई किया राइट आरटीएम, राइट एटीएम के बाद राइट लेफ्ट आरटीएम साइड वाला जो है राइट लेफ्ट लेफ्ट आरटीएम, लेफ्ट आरटीएम के बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल आप लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो है आपको सबसे पहले बॉडी से किस तरह से ऑक्सीजन जाता है, सबसे पहले जो आपको राइट वेंट्रिकल में दिखाई देगा, राइट आरटीएम में, राइट आरटीएम के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद सीधे जो आपको ये आपको लंग्स में भेज दिया जाता है, लंग्स में जाने के बाद जो है लंग्स में जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन फिर आता है, फिर जो है लेफ्ट लेफ्ट आरटीएम में, लेफ्ट आरटीएम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो है फिर लंग्स में बॉडी में भेज दिया जाता है। इस तरह से जो है ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है हमारे शरीर में, ब्लड ब्लड किस तरह से आपको ट्रैवल करता है, पूरे ब्लड डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है ये हम आपको जानकारी दिए। ये सिंगल सर्कुलेशन जो है फिश में जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, जैसे क्रोकोडाइल में थ्री चैम्बर होता है हार्ट होता है, हमारे हार्ट में चार चैम्बर हार्ट होता है। ये सबसे उसके बाद सेकंड नंबर आते हैं ब्लड, ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड में जो है आपको तीन प्रकार का सेल मिलेगा, ब्लड ब्लड प्लाज्मा, ब्लड फॉर्मलमेंट और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में जो है आपको फॉर्मलमेंट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, 90% वाटर होता है, 10% जो न्यूट्रिएंट्स होता है, इसमें तीन प्रकार के जो है प्रोटीन पाया जाता है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन, ये तीन प्रकार का जो है आपको इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा होगा आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारा का सारा दिखाई दे रहा होगा, इसमें सबसे पहले जो है आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी में जो है आपको मैग्नीफाई करके देखिए आरबीसी दिखाई दे रहा होगा, आरबीसी जो है आपको इसका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है और ये रेड बोन बोन मेरो में बनता है, रेड बोन मेरो में बनता है और रेड बोन मेरो में बनने के बाद जो है ये जो है हीमोग्लोबिन रेड ब्लड रेड होने के कारण जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है रेड होता है और ये जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लाता है और पूरे सेल तक पहुँचाता है और सेल से फिर जो है हार्ट में लाता है, हार्ट के बाद जो है फिर एल्वोले में आपको जाके ट्रांसफर करता है लंग्स में। तो इस तरह से जो है आपको डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन में मर जाता है, 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी पर बात करें, डब्ल्यूबीसी ये सबसे बड़ा सेल होता है, डब्ल्यूबीसी जो है एक एमोबॉइड शेप का होता है, ये सबसे बड़ा होता है, 4 से 7 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है, स्प्लीन कुछ स्प्लीन में बनता है और कुछ जो है रेड बोन में बनता है। इसका वाइट होने के कारण जो है वाइट जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण जो है वाइट होता है। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट, प्लेटलेट का बात करें तो प्लेटलेट में जो है आपको ये जो है आपको कभी कहीं पर कट लग जाता है, ये अभी दिखाई दे रहा होगा डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट, प्लेटलेट को मैग्नीफाई करें तो प्लेटलेट में जो है आपको एक तरह से जो है आपको स्मॉलेस्ट होता है, बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है प्लेटलेट के कारण जो ही हम जो है हमारे कहीं कट लग जाता है उसके कारण जो है ब्लड थक्का यानी कि ब्लड रुकता है, ये जो अभी कट लग गया है जिसके कारण जो थक्का रुकता है, ये जो है प्लेटलेट जो है थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजन को फेबिन में कन्वर्ट करता है जिससे एक क्लोथिंग बन जाता है जिससे आपको ब्लड रुक जाता है, ये सब आपको दिखा रहा है। उसके बाद ब्लड वेसल पे आता है, ब्लड वेसल में जो है आपको आर्ट्यूल, आर्टरी, आर्ट वेन, आर्टरी जैसे सुपीरियर भनकावा से जो आता है हमारे सुपीरियर भनकावा, इंफीरियर भनकावा जो है आपको हमारे हार्ट में आता है, ये ऑक्सीजन जो आपको ब्लड दिखाई दे रहा होगा ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और ये जो है आपको
इस तरह से आर्टियोल में जो है पूरे शरीर में फैलता है, आर्टरी से आर्टियोल में होकर और कैपिलरी से एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और आपको पूरे सेल को दे दिया जाता है। उसके बाद जो है पूरे शरीर में यूज किया जाता है हमारे ऑक्सीजन को। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे लास्ट पार्ट जो होता है आर्टियोल होता है, ये कैपिलरी है। कैपिलरी जो है कैपिलरी में जो है आपको जिस तरह से ब्लड आ रहा है और उसको न्यूट्रिएंट्स दे करके और चला जाता है, ऑक्सीजन दे के ऑक्सीजन को यूज कर लेता है हमारे सेल और जिससे जिंदा रहता है हमारा सेल। एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचता है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो है पूरे सर्कुलेशन देख रहे हैं, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है हमेशा, इसीलिए हार्ट जो है हमेशा पंपिंग करते रहता है, जो है हमेशा वर्किंग में ही रहता है हमारे हार्ट। तो हार्ट के बारे में जो है पूरी जानकारी आप ले चुके हैं। उसके बाद आते हैं कैपिलरी। कैपिलरी जो है आपकी कैपिलरी जो है कैपिलरी में जो है आपको जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले हार्ट में देखें कहाँ कहाँ से ट्रैवल करता है ऑक्सीजन। तो ये जो हार्ट से आर्टरी में आता है, आर्टरियोल में आता है, आर्टरियोल के बाद जो है कैपिलरी में है एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन को, उसको सेल हर सेल को दे दिया जाता है। उसके बाद जो है वेन में आता है, वेन में से उसके बाद वेनुल में आता है, वेन में आता है, उसके बाद हार्ट में पहुँचा जाता है। ये सर्कुलेशन होते रहता है ऑलवेज, हमेशा होते रहता है। उसके बाद हम जो है ब्लड कैसे कैसे ट्रैवलिंग करता है वो देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी से जो है आपको ह्यूमन बॉडी से जो है आपको हार्ट में आता है, राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको लेके जाएगा लंग्स में, लंग्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर मतलब आदान प्रदान किया जाता है, ऑक्सीजन ले दिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन के बाद हार्ट में जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन हार्ट में जाने के बाद जो है आपको इसके बाद जो है सीधे फिर बॉडी में पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से जो है ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है और ये इसीलिए बोलते हैं, ये इसको इसीलिए हम बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स में जो है डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। और उसी प्रकार जो है आपको फिश में जो है आपको सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वेंट्रिकल और आर्टरियम और एक वेंट्रिकल होता है सिर्फ फिश में। और हमारे शरीर में जो है चार चैम्बर हार्ट होता है, फिश में दो चैम्बर हार्ट होता है जो है राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा चार चैम्बर होता है हार्ट का। और उसमें फ्लैप होता है, उसमें ट्राइकस्पिड वाल्व इस तरह से भी उसमें होता है।